Damn, feel lucky. हाँ मोदी जी, क्या हाल चाल? आ गए, लैंड कर लिया क्या? अरे अरे अरे, कैसे है? वेलकम टू पोलैंड. कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अरे गर्मी है ना. अरे हमने कहा कि यार आपको इंडिया से आ रहे हैं, आपको इंडिया की कमी महसूस नहीं होने देंगे. तो वॉर्सो में आपका स्वागत है गाइस. जस्ट हेडिंग टू द एयरपोर्ट. मोदी जी लैंड कर गए हैं, तो जस्ट गोइंग टू कलेक्ट हिम. अरे यार सिल्ली लेट हो गए यार, मोदी जी लेफ्ट, ही वाज वेटिंग फॉर अस. अरे यार इट्स ऑल योर फॉल्ट बाबूश. मेरी क्या गलती है सिल्ली इसमें यार? ऑल योर फॉल्ट, यू आर ऑलवेज लेट. अरे यार ही टुक एन उबर, ही सेड वेट कर रहा था. अरे यार केला ही हो गया यार, हम लेट हो गए, थोड़ा सा लेट हो गए यार. मोदी जी गुस्सा हो गए, बताओ यार. वो राइस के पीछे ही है एयरपोर्ट यार. बकचोदिया बहुत करते हैं भाई लोग. तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस. बट हाँ, ये फैक्ट है कि मोदी जी हैज जस्ट लैंडेड एंड वॉर्सो एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं. तो ये वॉर्सो है, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिटी है पोलैंड में. यहाँ पे ज्यादा टाइम है नहीं मोदी जी, आई थिंक आज का आधा दिन और कल का आधा दिन शायद स्पेंड करेंगे. तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा टाइम है उनके पास, बट आई थिंक फ्रॉम वॉट वी नो ही विल बी विजिटिंग टू प्लेसेस, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था. पहला इज विजिटिंग द गुड महाराजा. काफ़ी लोगों को पता होगा वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पोलिश रेफ्यूजीज जो थे उनको शेल्टर दिया गया था गुजरात में. और जो दूसरी जगह है जहाँ पे मोदी जी जा रहे हैं टू मार्क हिज रिस्पेक्ट, टू पे हिज ट्रिब्यूट, इज टू अ वॉर मेमोरियल एक बनाया गया है. काफी लोग क्यूरियस होंगे इंडिया से कि इस जगह पे स्पेसिफिकली क्यों जा रहे हैं मोदी जी. देर इज अ वेरी वेरी बिग इंडियन कनेक्शन इन दिस वॉर मेमोरियल. ये वॉर मेमोरियल वर्ल्ड वॉर टू के टाइम का है और इसमें इंडिया का एक बहुत 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 बड़ा रोल है. आइए हम साथ में जानते हैं इस पूरी जगह को, इस पूरे मेमोरियल को. वहीं हम जा रहे हैं. आज आपकी प्राउडनेस इंडियन आर्मी के लिए अगर 1000% थी तो 1,000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 ,
चलिए चलते हैं। चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सेंट्रल वॉर्सो में आपका स्वागत है गाइस। वॉर्सो सिटी इज अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ लाइक नई बिल्डिंग्स एंड देन यू विल सी सम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। काफी सुंदर है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है ट्रैफिक के मामले में कभी कभी, बट ऑन द होल इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सिटी। और सब लोग कितने खुशहाल हैप्पी, और एक चीज आप नोटिस करेंगे सेंट्रल यूरोपियन पोलैंड में कि एवरी वन इज वेरी वेल ड्रेस्ड। हर आदमी यहाँ सिर्फ वॉर्सो में ही नहीं, एवरीवेयर इन पोलैंड, इवन अगर राशन खरीदने भी जाते हैं भाई यहाँ पे लोग, तो दे आर ऑल ग्लैम्ड अप। देयर इज अ लॉट ऑफ पुलिस अराउंड। मोदी जी की वजह से तो नहीं हो रहा, आई थिंक बिकॉज़ आई मीन मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कमिंग, तो थोड़ी सिक्योरिटी तो होगी मुझे लग रहा है। यूजुअली आप कभी देखोगे नहीं ज्यादा पुलिस पोलैंड में, क्राइम भी मुझे दिखता नहीं है भाई ज्यादा, तो कुछ होता नहीं है यहाँ पे। ये काफी फिल्मों में भी देखा होगा आपने, सलमान खान की फिल्म में तो पक्का ही देखा होगा, किक में था शायद ये बिल्डिंग। बहुत पुरानी कम्युनिस्ट टाइम की बिल्डिंग है, ये कम्युनिस्ट स्टाइल है एक्चुअली। बट दैट्स बेसिकली वॉर्सो फॉर यू गाइस, कि पुराना और नए का पूरा एमलगमेशन। थोड़ा सा पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे है, द मैप शोज इट्स राइट हियर समवेयर, तो एक्चुअली हाँ यहाँ पार्क कर सकते सिल्विया। भाई कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं है, मोदी जी आ रहे हैं सिल्विया, कुछ ऐसा है लग ही नहीं रहा है, फीलिंग ही नहीं आ रही है, यहाँ पे विजिट करने तो आ रहे हैं यार पक्का, पता नहीं आ चुके हैं कि आने वाले हैं। मोदी जी के लिए देयर इज नॉट इवन अ सिंगल, तुम एक पुलिस वाला भी नहीं लगा सकते थे। आई डोंट नो, मे बी ही इज नॉट कमिंग टुडे और ही इज ऑलरेडी गॉन फ्रॉम हियर, मेरे ख्याल से आ चुके होंगे, और मे बी ही हैजंट कम येट, मे बी दे वुड स्केड्यूल लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग। या बट थोड़ा सा तो वो यू नो द प्रिपरेशंस मुझे कुछ दिख नहीं रही है यहाँ पे। अरे भाई अलाउड नहीं है भाई, मैं गलत था भाई, ये तो पूरा रेड टेप किया हुआ है भाई, वो तो देख रहे हो ना वहाँ पे भाई सिक्योरिटी है भाई, रेड टेप लगा हुआ है, तो मतलब मुझे लगता है सिल्विया मोदी जी इज अबाउट टू कम देयर, मेरे को तो लग रहा है अभी आने वाले भाई। हाँ मुझे लगता है अंदर भी जाने देंगे। This is just a park. This is like an open space. Yeah. You know, not like any ticket required or anything. No, but I think this part of the park, ये side पे memorial है. I think this is more secured. But also there are no any information that you can't go in. Yeah. चल फिर हल्ला करते हैं, we'll go, we'll be like, ऐसे कैसे मना कर देंगे ना? How will they refuse us? जानते नहीं है कौन है। मिलने तो जा रहे हैं मोदी जी, अगर मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिले तो नो प्रॉब्लम। तो गाइस जहाँ तक मेरे को लगता है ये जो है, क्योंकि ये तो ऐसे ऑड लग रहा है लगा हुआ, आई थिंक दिस इज फॉर हिज वेलकम सिल्विया। हाँ ये मोदी जी के ना वेलकम के लिए यहाँ से मोदी जी आएंगे बेसिकली,
और प्रॉब्ली ही विल पे हिज ट्रिब्यूट। तो सिक्योरिटी वाले भैया से अभी हमने पूछा तो वो बता नहीं रहे, तो हाँ भाई मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक ही कैन बी हियर एनी टाइम। जेलों में तो डर लग रहा है, हमने पूछा कि मोदी जी आ रहे हैं, कह रहा है आई एम नॉट अलाउड टू से। तो ये लेफ्ट एरिया ना पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया इन्होंने बेसिकली। आई मीन ही डिडंट से आई एम नॉट अलाउड टू से, बट मतलब उन्होंने ना नहीं किया, ही डिडंट से नो, ही डिडंट से नो, ही डिडंट से यस। मैंने कहा मोदी जी आ रहे हैं ना, ही डिडंट से एनीथिंग, ही जस्ट गिव दैट स्माइल, कहते लाइक यस बट आई कांट टेल यू टाइप ऑफ स्माइल। तो हां मोदी जी मुझे लग रहा है अभी आने वाले हैं। मतलब मोदी जी को एक वॉक तो करना चाहिए यहाँ पे, हैं ही विल एंजॉय इट। क्या लग रहा है यार ये तो सिली ब्यूटीफुल यार, दैट्स ब्यूटीफुल। हेलो बतख जी, मोदी जी आ रहे हैं कुछ मिनट में, समझ रही हो? हाँ एंजॉय करो अभी। फेक लग रहा है ना भाई पूरा, दिस लुक सो फेक, ऐसे लग रहा है अभी अभी बनाया है भाई इन्होंने। और देखो साइकिल भी ऐसे बीच में से निकल के, सारा ही एकदम पिक्चरेस्क लग रहा है पूरा। चलिए देयर सम पर्सन इन साड़ी, वो देखो देखो देख, आई थिंक यू कैन गो इनसाइड नो। ये कैसे जा रही है अंदर दीदी? हाँ भाई कोई तो है वहाँ पे, मुझे लग रहा है मोदी जी यहीं पे हैं, मुझे फीलिंग आ रही है मोदी जी। तो दिस इज दैट मॉन्यूमेंट आई वाज टॉकिंग अबाउट गाइस, दिस इज द मॉन्यूमेंट ऑफ मॉन्ट कैसीनो, इसके बारे में हम बात करेंगे, बट लेट मी सी इफ देयर इज अ वे टू एक्चुअली गो अ बिट मोर क्लोजर टू दिस। मोदी जी इज कमिंग, या दिस आंटी वाज सेइंग गाइस आई थिंक शी वर्क्स एट द एम्बेसी एंड शी वाज सेइंग कि बस अभी आने वाले हैं, यहीं पे आएंगे बेसिकली। ये देख रहे हो भाई, यहाँ पे देख रहे हो वो गाड़ी, यहाँ से उतरेंगे और बेसिकली यहाँ जाना है उनको। भाई माँ कसम मेरे को नहीं पता था कि मोदी जी इस टाइम पर, मेरे को कैसे पता चलेगा भाई, इनका सिक्योरिटी विक्योरिटी का अपना प्लान होता है। अरे भाई इंडियंस और आ रहे हैं भाई, हमारे यहाँ पे भी इंडियन भाई पहले से वेट कर रहे हैं, लग गए घर वैसे बस सिल्विया सबको खबर लग गई मोदी जी यही आ रहे हैं भाई। ये तो पूरे उसमें आ रहे हैं भाई, आई थिंक दे आर प्रॉब्ली पार्ट ऑफ डेलीगेशन भाई, इनको शायद अंदर अलाउ करेंगे। काफ़ी लोग आ गए, एक्सपेक्टेड ही था सिल्विया, डिड यू एक्सपेक्ट है? मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ। हमारे भाई भी आए हैं, भैया कहाँ से आए हो? पंजाब से। भैया जी पंजाब से है, सीधा पंजाब से, एवरी पार्ट ऑफ इंडिया इज हेयर। अब तुम लोग पूछोगे भाई मेरे भैया आपने क्यों, आपको क्यों नहीं इनवाइट किया ऐसे चीज़ के लिए? भाई थिंक फ्रॉम व्हाट आई नो भाई एक दिन के लिए शायद ये रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी एंड वी मिस्ड द रजिस्ट्रेशन, साफ सीधी बात बताओ आपको। तो कम्युनिटी मीट के लिए भी शायद एक रजिस्ट्रेशन थी एंड हाँ भाई मिस कर दी थी एंड आई डोंट थिंक इट्स राइट फॉर मी टू यू नो स्किप द क्यू एंड किसी को स्पेशली पूछूं, किसी से जुगाड़ बिठाऊं, बिकॉज सब लोग मिलना चाहते हैं मोदी जी से। तो यू नो जिस जिनने अप्लाई किया, आई थिंक लाइक अराउंड 1000 पीपल हु रजिस्टर्ड फॉर दीज इवेंट्स, जो मीट एंड ग्रीट है इंडियन कम्युनिटी का और ऐसे इवेंट यहाँ पे आने के लिए। भाई पुलिस भी आ गई, देख रहे हो भाई कितने डेंजरस लग रहे हैं ये लोग, भाई मेरी तो घबराहट हो रही है यार भाई, कैमरा बंद करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा लोग आए हैं भाई। डैम देख रहे हो भाई, बंदे को देख रहे हो भाई, लग रहा है कि ये बात नहीं करेंगे भाई, सीधा मार ही देंगे। बट एक चीज़ तो है गाइज, हाँ लाइक अ प्राइम मिनिस्टर आई थिंक पोलैंड के भी प्रेसिडेंट हैं, उसके लिए सिर्फ इतना छोटा सा यू नो एरिया कॉर्डन्ड ऑफ किया हुआ है, जस्ट अ स्मॉल एरिया, थोड़ी सी पुलिसिंग, सो दिस गोज टू शो हाउ सेफ पोलैंड इज एक्चुअली, क्योंकि ये टेप लगा दी एक और कोई इस टेप को पार कर ही नहीं रहा है, तो ये साइड वहाँ तक लगी हुई है ये टेप एंड दैट्स इट, नोबडी इज आस्किंग एनी क्वेश्चंस, बस जा नहीं रहा है कोई भी। देखो भाई हमारे इंडिया के भाई सब लोग आए हैं रिपोर्टर्स मोदी जी को कवर करने, अरे वाह क्या बात है भाई, ये है शायद स्पेशल टीम मोदी जी की, समझ रहे हो? तो व्हाइल वी वेट फॉर मोदी जी, मैं आपको ये मॉन्टे कैसीनो के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ पे इंडियन कनेक्शन क्यों है इतना सारा। ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू के टाइम का मॉन्यूमेंट है, इटली में एक्चुअली ये हुआ था। मॉन्ट कैसीनो बेसिकली एक जगह है इटली में, ज्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू टाइम्स, जब जर्मनी का यू नो थोड़ा सा वो ऑक्यूपेशन हर जगह बढ़ रहा था, तो जर्मन सोल्जर्स और इटालियन सोल्जर्स इटली में बेस थे, तो जो ब्रिटिश और यूएस जो अलाइड फोर्सेस हैं ये लोग अफ्रीका इन्होंने कवर कर दिया था, आई थिंक तुनीजिया वगैरह, एंड देन दे वर हेडिंग टुवर्ड्स सिसिली, तो वहाँ बेसिकली सिसिली कैप्चर हो गया था। नाउ मेनलैंड इटली को ऑक्यूपाई करना, मतलब लेने के लिए, छुड़ाने के लिए रादर, एक जगह थी मॉन्टे कैसीनो इटली में, वहाँ का जो पैसेज है उसके आगे ही बेसिकली एक हाईवे जाती थी सीधा रोम की तरफ, तो वो उस पर ये जर्मन सोल्जर्स ना पूरा ऊपर, जैसे कारगिल वॉर हमारी हुई है ना, बिल्कुल वैसा वाला ही आप समझ लो माउंटेन था, एकदम स्टीप माउंटेन, छुपने की जगह ही नहीं थी। सारे जो जर्मन सोल्जर्स हैं उन्होंने बेसिकली एक पूरा बाउंड्री बना दी थी विद बूबी ट्रैप्स, विद माइंस, सो मैनी थिंग्स,
जिसको गुस्तावो लाइन कहते हैं, जो बिल्कुल एकदम ना 100-100 माइल के रेडियस में थी. तो इट वाज एसेंशियली इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू एक्चुअली गो. जहाँ पे इम्पॉसिबल आता है वहाँ पे इंडियन आर्मी आती है. बेसिकली हमारी फोर्थ इन्फेंट्री जो इंडिया की थी और एट्थ इन्फेंट्री कंप्राइजिंग ऑफ लॉट ऑफ गोरखाज, सिख्स, राजस्थान से, बंगाल से, बड़े बड़े सोल्जर्स जिन्होंने मतलब अपना मेटल एकदम देवर नोन एक्चुअली यू नो देर अलॉट की ये बहुत ही फियर्स आर्मी है और बारिश बहुत ज़्यादा गिर रही है. तो उन्होंने एक्चुअली वहाँ पे फाइट की है एंड दे हेल्प्ड इन अलॉन्ग विद पोलिश सोल्जर्स. पोलिश सेकंड रेजिमेंट थी शायद जो मिल के इन्होंने बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो लड़ा था अलॉन्ग विद सम अदर अलाइड फोर्सेज एज वेल. बट इंडिया का इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा योगदान था. इनफैक्ट वन ऑफ द सोल्जर्स वॉज एक्चुअली अवॉर्डेड जो ब्रिटिश का सबसे बड़ा ऑनर मिलता है, आई थिंक इट्स कॉल्ड द विक्टोरिया क्रॉस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मोदी जी बस एंटर करने ही वाले हैं. देख रहे हो भाई वहाँ पे डांस वांस का वो भी हो रहा है, कोई मुझे कल्चरल उसमें है लग रहा है भाई कि काफ़ी अच्छा आयोजन है. बट बहुत कम लोग हैं भाई, मतलब यही है भाई इंडियन डायस्पोरा काफ़ी लिमिटेड है. बट आई मीन देयर आर मोर पीपल, आई मीन इससे मत पता लगाना कि पोलैंड में बस इतने इंडियंस हैं. इतने लोगों को ही भाई अंदर जाने की अनुमति है. अरे आ गए भाई मोदी जी आ गए. अच्छा भाई वीआईपी आने से पहले भैया कह रहे हैं कि रिहर्सल होता है, पूरा डेमो होता है, सब प्रैक्टिस हुई है. पकड़ लिया आपको डेमो, एक बड़ा आदमी देखता है तो कुछ गलती तो नहीं है. अच्छा, और उसके बाद फिर वो बोलता है कि हाँ ये गलती हो गया इसको करेक्ट करना. हाँ मतलब पूरा रिहर्सल किया करना होता है इसका. अच्छा भाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में तो पता भी भाई. अच्छा फिर तो भाई लग रहा है सही लग रहा है. आप लोग एनसीसी करते थे? अच्छा, ये हमारे पोलैंड के डिफेंस अटैचे हैं. भारत और पोलैंड के जो डिफेंस टाइज है उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं? अच्छा, सिक्योरिटी रिलेशंस कैसे बढ़ा सकते हैं? ओके. उसके बाद अगर वेपन सेलिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वेपन का, कोई अगर पोलैंड का वेपन अच्छा है या फिर हमारा वेपन अच्छा है वो पोलैंड को सेल करना है तो वो अच्छा तो ये हैंडल करते हैं वो सारा. अभी अभी पता चला है कि पता नहीं किसने बोला कि मोदी जी ने बात करी है कि क्या है कि जो यहाँ पे लोग हैं उनको भी अलाउ कर दिया जाए अंदर. तो होपफुली आई थिंक हमको भी अलाउ कर दिया जाएगा अंदर. क्या लक है, वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन एट ऑल. और ये लो मोदी जी के सामने. बस आई थिंक अभी थोड़ा टाइम और है. बट द गुड न्यूज़ इज़ कि हमें एंट्री एक्चुअली मिल सकती है. भाई तुम्हारे भाई ने जुगाड़ लगा ही दिया भाई, समझ रहे हो? घुस गए भाई मोदी जी के शो में, घुस गए भाई अंदर. कहाँ है मोदी जी? चलो भाई भाई ये सामने मोदी जी मिलेंगे भाई, सामने चेहरा दिखेगा भाई मोदी जी का, समझ रहे हो तुम? कब आ रहे हैं, कितने टाइम में आ रहे हैं? आधा घंटा. अच्छा आधा घंटा है अभी. अच्छा चलो मैं बैटरी बचा देता हूँ फिर. वंदे मातरम, वंदे मातरम. क्या जोश है भाई, शाबाश. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. असली में हो रहा है बताओ, मैंने लास्ट वीडियो मजाक मजाक में बनाया था, असली में मोदी जी आ गए धूमधड़ाका लाड़िया छे, मोदी काका आ रिया छे. अरे बाप रे बाप. Talk to a few people here and Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. By times now मैं दिख जाऊंगा भाई, मैं ही था वो. अरे मोदी जी. देख रहे हो भाई, ये रहे मोदी जी भाई, ये मोदी जी, ये हम, समझ रहे हो? ये मोदी जी, ये हम भाई. भाई अब भी अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या ही किया भाई जिंदगी में, करो भाई सब्सक्राइब मोदी जी, समझ रहे हो? तो भाई ये थे मोदी जी. अब तो रोज का हो गया है भाई, अब तो यू नो
आपस की इतनी प्यार वाली बात हो गई है हमारी, काफी बातें हमने ऑफ कैमरा भी की जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट ठीक है भाई, मतलब जितना आप लोगों को दिखाया आई थिंक आप लोग बहुत करता हूँ। तो चलो गाइज, ऑन दैट नोट आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। आई स्वेयर मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था मोदी जी आने का, बिकॉज आई थिंक इनका कोई कुछ इवेंट तो था जिसमें यू नो दे वुड मीट द कम्युनिटी ऑफ पोलैंड, एंड हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन हमें मिला नहीं उस चीज का, तो वो एक अलग इवेंट था। सो आई थॉट कि जहां जहां वो विजिट करेंगे मैं वो जगह कवर करूं, तो हम यहाँ बाय चांस आ गए, एंड कोइंसिडेंटली वी सॉ दिस रेड टेप, आप लोगों ने देखा है वीडियो पे, तो आई वी डिडंट नो एट ऑल। तो देख लो भाई, हो जाता है एंड में, सब सही हो जाता है। तो मोदी जी से मिल गए, फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी, माय फर्स्ट इंप्रेशन वेरी पेशेंट, एंड चेहरे पे मतलब वो यू नो इट वाज अ वेरी लॉन्ग सेशन दैट एक्चुअली ही वाज अटेंडिंग, काफी वहां पे वो भी हुआ, बारिश भी गिर रही थी बहुत सारी, बट स्टिल लाइक नॉट इवन यू नो थोड़ा सा वो हो जाता ना कभी कभी कि भाई क्या यार वेदर भी कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत काम एंड कंपोज पर्सनैलिटी, एंड देन यू नो शेकिंग हैंड्स विद द इंडियन डायस्पोरा एंड मीटिंग, अच्छा बहुत ही अच्छा क्वार्टरली मीट किया। आई डोंट थिंक इंडिया में कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती मेरे को कि इतना क्लोजली देखते हम, मजा आया बहुत। आशा करते हैं कि आपको भी मजा आया। सिल्विया थोड़ी सी बोर हो गई अगेन लाइक अ क्रिकेट मैच, बट सिल्विया आई लव द फैक्ट दैट यू नो यू आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट दीज थिंग्स, एंड यू नो बट दिस वॉज अ इंडियन पोलिश कनेक्शन दैट आई वॉन्टेड टू शो, बिकॉज यू नो इंडियन द इंडियन आर्मी एंड द पोलिश आर्मी फॉट टूगेदर To liberate Italy, किसको पता था यार, I didn't know about it. काफी लोग बोलते हैं यार पोलैंड और इंडिया का, एक्चुअली आज भी मैं सुनता हूँ कभी कभी ना डिबेट पे कि इंडिया और पोलैंड का भाई कोई कनेक्शन नहीं है, इतने कनेक्शंस हैं, ये तो सिर्फ दो ही कनेक्शंस हैं, there must be so many that we might not know. तो अब हम यहाँ पे हैं तो आपके साथ यू नो शेयर करेंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे। तो हाँ, आशा करते हैं आज का ब्लॉग अच्छा लगा, मिलते हैं नए ब्लॉग पे, इट्स गुड बाय फ्रॉम मेरू एंड सिल्विया, गुड बाय गुड बाय।